अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाइट होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मुझे व्लॉग का थोड़ा टाइम मिला, मैंने सोचा कि फ़ौरन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी जो है ये हमारे हैं अहमद भाई। अहमद भाई वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से। क्या कर रहे हैं अहमद भाई? कुछ भी नहीं, कुर्सी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अहमद भाई जो है वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि फ़ौरन जो है एक वीडियो बनाई जाए कि अहमद भाई की कटिंग देखें। मतलब कटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रा अपनी कटिंग में देखा है ये अहमद भाई की कटिंग देखें आप। आपने लोगों के माथे पे बल तो देखे होंगे लेकिन गुद्दी पे बल नहीं सही। ज़बरदस्त अहमद भाई, ये कटिंग जो है आपकी, आपने कहाँ से करवाई है? मैंने अपने बेटे से करवाई। ये आपने अपने बेटे से करवाई है? हाँ। और ये इनका बेटा जो है वो सैलून का काम सीख रहा है, तो इन्होंने कहा कि चल तुम मुझ पर हाथ साफ करता रहे, तो ये इनकी कटिंग ज़बरदस्त। तो अहमद भाई ज़रा बताएं ये कुर्सी आप किस तरह सही कर रहे हैं? पहले आपने इसको गरम करके सेट किया? पहले इसको गरम करके सुराख करके। ज़बरदस्त। प्लास्टिक की कुर्सी टूट जाए तो उसके लिए जो है ना ये बेहतरीन का नुस्खा। तो हर बंदा जो है ना इस तरह नहीं करता है, वो कहता है कि यार ये बुरा लगेगा। कोई बुरा नहीं लगता भाई, पैसे जो है ना वो बुरे लगते हैं। सही। तो ये है कि अभी आपने इसका दामन सी दिया। दामन सी दिया। और ये हमारे चाचा बशीर जो काम कर रहे थे। अहमद भाई वैसे ये इस तरह आप जो ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर मतलब नॉर्मल बंदा पे टेक लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, मुझ जैसा बंदा तो कर सकता है। आप जैसा कर सकता है, मेरे जैसा भी कर सकता है। आप जैसा भाई, ये देखें ये जुगाड़ी काम है कि अगर आपकी कुर्सी इस तरह टूट जाए तो आप उसको गरम कील से पहले आप इसके सुराख कर लें और उसके बाद ये जो कौन सी तार है ये जो जिससे लोहे वाली तार है ना, ये लोहे वाली जिससे बन जाते हैं वो सरिये बांधते हैं, तो आप वो ये देखें ये रही वो इस तरह आप उसके लेके हाथ में एक क्लास लेके आप बहुत अच्छे तरीके से जो है कुर्सी का दामन सी लेंगे। और ये है बशीर भाई, चाचा बशीर। चाचा बशीर क्या कर रहे हैं आप? ये दुपट्टे बन रहे हैं। ये दुपट्टे बन रहे हैं? ये ज़बरदस्त। ये अच्छा माइयों के लिए बन रहे? ये सिर्फ एक घंटे पहनेंगे बस। और ये हमारे आगे फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मुबारक हो आपने दूसरी दुकान ले ली। तो फिर बिरयानी का कब सिलसिला है? वाला चल रहा है, काम हो रहा है, उसको इंशाल्लाह करेंगे ना, बस सही है, उसका व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ अहमद भाई हुकुम, क्या करके लाओ? दो सुराख कर रहे हैं इसमें। अहमद भाई पहले के टाइम में क्या प्रोफेसर थे क्या? अहमद भाई वीडियो के अंदर आपके हाथ के बाल कैसे गोल्डन आ रहे? हाँ कुछ लगाया था क्या बालों पे? ब्लीच व्लीच लगाया था? अच्छा गोल्डन जब ही हो रहे हैं ये। वाह अहमद भाई आपके शशके। किसी टाइम पे आप अहमद भाई किसी फिल्म के कोई वो तो नहीं थे? हीरो वीरो तमिल फिल्म हो गया उस टाइप कुछ? अपनी फिल्म के हीरो गुड, अपनी फिल्म का हीरो रहना चाहिए।
जैसे अहमद भाई आपने कमाल कर दिया, जबरदस्त। और अहमद भाई ने कुर्सी तैयार कर ली है, बिल्कुल शपाटर कर दी है कुर्सी, फुल शपाटर हो गई कुर्सी हमारी। अहमद भाई जबरदस्त काम कर दिया आपने, आप भाइयों की दुआएं हैं। बस हम भाइयों की दुआएं हैं और हमेशा रहेंगी अहमद भाई, आप भी बस दुआ किया जा रहे हमारे लिए। बाकी अहमद भाई शेर पे भगवानी है शाम में यार, आपका बच्चा फारिग होगा है? हाँ ना यार, आज जाके शेर पे सैर कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज बिल्कुल इतफाक है कि टाइम मिल गया, तो हमने फौरन सोचा कि वीडियो स्टार्ट की जाए और अहमद भाई जो काम कर रहे हैं वो काम में आप लोगों से शेयर करूँ कि कुर्सी आप लोगों की इस तरह टूटी है तो आप इस तरह सही कर सकते हैं, वरना अहमद भाई आपका नंबर डाल दूँ कुर्सी को भी हमारा, आप फ़ोन भी कर सकते हैं फिर अहमद भाई को। सही है अहमद भाई, बाकी फिर आप जितने आगे और ब्लॉग बनाएंगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अहमद भाई आज खाना भी यार कोशिश करते हैं कि साथ खाएं, क्या बोल दो? क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना, टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है हम लोगों की सबकी, मतलब तो शुरू में तो पहले अहमद भाई और मैं खाना खा रहे थे साथ ही, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता तो फिर सही है अहमद भाई, ठीक है ठीक है, डन हो गया, डन हो गया डन, चलो सही है। और जैसा अहमद भाई ने वादा किया था कि खाना हम लेकर आ गए और हम खाना खाएंगे साथ, और ये है पाए का सालन, ये खड़े मसूर की दाल, और ये कौन सी दाल है, ये बाकी है इसमें चने की दाल। तो अब हम लंच करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर काम करेंगे। तो फिर अब हम कर रहे हैं लंच और पाए का सालन हमने यहीं से लिया, होटल है कोने पर, तो अब हम ट्राई करेंगे कि यहाँ का पाए का सालन कैसा है। सकलैन भाई, और अब मेरी हो गया छुट्टी का टाइम, तो मैं अब जा रहा हूँ घर और रास्ते में से शेव बनाता हुआ जाना है क्योंकि खटपट मेरा बहुत ख़राब हो गया ना यार, इस वजह से शेव बना थोड़ा सेटिंग में तुमसे नहीं बनवानी, मतलब रास्ते में जाते हुए सैलून से बनवाता हुआ जाऊँगा ना, चीज़ें हैं हमारे पास। और ये हमारे पास एक ये बैठा हुआ है दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा ज़ोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेव बनानी है? नहीं भाई, वहाँ पे जाके बनवा लूंगा मैं। काटने के लिए कैंची कटर भी है? नहीं नहीं भाई, आप इसको अपने पास रखिए, जिस चीज़ के लिए आपने रखा हुआ ना आप इसको उसी चीज़ में यूज करें। मैं तो सुनता ही रहता हूँ। सही है, रात में चश्मा बंद लगाते हो भाई, ये मेरा स्टाइल है भाई। मैं आप जा रहा हूँ घर पे, ठीक है, मिलते हैं कल और इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अरे वाह वाह लड़के, मैं कितना अच्छा आ रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़ कर दो, चलो जल्दी अल्लाह हाफिज़।